afternoon. Thank you, media friends, for joining us. Today, through Arunachal Press Club, I, Srinivasa Yubin, President of Yubin Welfare Society, along with my Vice President, Sri P.D. Yubinji, and Finance Secretary, Sri K. Yubinji, good afternoon. Would like to clarify, would like to give clarity about the ongoing boundary dispute between Yubins and Namdafa National Park. This will be the objective of this press conference. Aur beech mein hamare vice president ji kafi experience hamare society mein hai, isliye beech mein unke dwara bhi statement hoga. Aur lastly hamare government ko bhi appeals rahega. देखिए इस विषय में जो है लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चर्चा कर चुका है और कोई ये नमदफा नेशनल पार्क इशू जो है कोई नया इशू नहीं है. और ये मैं बता दूं कि नमदफा नेशनल पार्क जो है 1982 में डिक्लेयर होता है और इसमें हमारे यूबिन समुदाय के उस समय के जो लीडर्स है गवर्नमेंट के साथ सही है बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन तो करना है क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी ठीक होता है. उसी हिसाब से हमारे उस समय के लीडर्स ने एग्री किया कि हमारे ट्रेडिशनल लैंड्स जो है 17 से 40 माइल्स तक का जो ट्रेडिशनल लैंड्स है उसमें जो है प्रिजर्वेशन के लिए नमदफा नेशनल पार्क के लिए हम लोग भी एग्री करता है. ये कहे कि हम लोग भी उसी में स्टैंड बाय आज तक. और आज जो है हमें भी ये बताना ज़रूरी नहीं पड़ेगा कि वाइल्ड लाइफ जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इसलिए हमारे प्रकृति पर्यावरण इन्वायरमेंट के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए हमारे विभिन्न समुदाय कितना दयाभाव है ये मेरा ख्याल से जिक्र करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रेडिशनल लैंड 23 माइल्स हम लोग ने कंट्रीब्यूट किया है उसी का बीच में अभी नमदफा नेशनल पार्क जो है एग्जिस्ट करता है. तो आज हाल ही में जो है 5 जून 2023 को जो है हमारे अरुणाचल टाइम्स और ईस्टर्न टुडे न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चलता है कि वहाँ जो है बर्मानाला जहाँ हम लोग 40 माइल भी कहता है उस जगह में जो है फॉरेस्ट अथॉरिटी और वहाँ का विलेजर्स के बीच में जो है झगड़ा हुआ है वो चीज़ हमें मीडिया के थ्रू से पता चला है. तो ये जो है क्यों आज ये इंसिडेंट इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है वो रीज़न जो है कुछ बताना चाहता हूँ एक दो पॉइंट्स. देखिए अभी मीडिया और सोशल मीडिया में काफ़ी मिस इंटरप्रेटेड फेब्रिकेटेड न्यूज़ भी चल रहा है नमदफा नेशनल पार्क को लेकर. नमदफा नेशनल पार्क जो है जहाँ है वही है, एकदम सेफ है, प्रोटेक्टेड है. और जो जहाँ इंसिडेंट हुआ है बर्मानाला के उस पर वो नमदफा नेशनल पार्क अंदर नहीं आता है. तो अभी हमें पब्लिक डोमेन में यह आ रहा है कि नमदफा नेशनल जैसे कि ख़त्म हो रहा है, ये बिल्कुल गलत खबर है. नमदफा नेशनल पार्क के अंदर जो इंसिडेंट नहीं हुआ है उस पर, नदी उस पर हुआ है, ब्रिज का उस पर, इस पर जो है म्यूसाइक इस पर जो है वो नमदफा नेशनल पार्क पर पड़ता है. तो अभी देखिए वो एक पॉइंट का वजह से वह इंसिडेंट हुआ है. सेकेंड पॉइंट जो है जहाँ इंसिडेंट हुआ है वो जो है आदिदी बस्ती करके है, वो एक बस्ती है. एक बस्ती में फोर्सफुली इविक कराया है, रिसेंटली इविक कराया है. जितना भी वहाँ का मैंने वहाँ एक लेडी विधवा लेडी भी रहता है, उनका फैमिलीज वहाँ में रहता है, तो उसको फोर्सफुली जो है इविक कराया है. तो इविक्शन का बात आता है तो 2006 में IGF PCCF और एफ डी साहब
उस समय जो है ये उनका आपस, ये उन लोग और हमारे विभिन्न समुदाय के बीच में मीटिंग होता है, उसमें जो है वहाँ का हम लोग का जेन्युइन ग्रीवेंसेस को सुनने के बाद उसने रिटर्न फॉर्म में आप लोग को भी फर्निश किया हुआ है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इन लोग का जो है पॉइंट्स या उन लोग का डिमांड जो है सही है, इसलिए आज के बाद यहाँ जो है इविक्शन नहीं किया जाएगा, वहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो आज जो है वो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है उसके इसलिए वहाँ का लोग सभी मालूम है। तो अभी ऐसा चीज़ है, बात स्टेटमेंट है, तो यहाँ FD लीड करके वहाँ ज़बरदस्ती बस्ती वालों को इविक्शन करा के वहाँ में फॉरेस्ट बेस कैंप बनाए, इसका वजह से भी ये रीज़न बनता है। थर्ड पॉइंट्स में ऐसा है, जो यूबिन समुदाय के लोग जो है 17 से 54 तक गंडक विजयनगर के टॉप लास्ट पॉइंट 17 से वहाँ तक विजयनगर सर्कल पड़ता है, इसलिए जब ये नमदफा नेशनल पार्क डिक्लेरेशन का बात होता है उस समय में हमारे समुदाय के लोग ने जो है 17 से 40 माइल तक ही माने हमारे ट्रेडिशनल लैंड को जो है सौंपा है, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। इसलिए जो है यहाँ लास्ट टाइम भी हम यही कह चुका है कि डिपार्टमेंट के द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नमदफा नेशनल अथॉरिटी ये जो है न माने नेमसेक के लिए जो है प्रिजर्वेशन नहीं करना है और पीपल्स मैनेजमेंट भी होना है, इसलिए ये जो है माने नामदफा नेशनल पार्क जो है हम लोग का हिसाब से, हम लोग पब्लिक कंसल्टेशन हिसाब से जो है 40 माइल तक है। तो अभी अथॉरिटी कहता है कि वहाँ से जो है 80 माइल तक है, तो उनका 80 और 40 का बीच में जो पब्लिक रहता है उनका ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हो रहा है, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देता है गवर्नमेंट को। इसलिए लास्ट टाइम को भी हम ये कहा है हम लोग ने कि ऑलरेडी हम लोग ने जो है गवर्नमेंट को जितना भी मेमोरेंडम लिख चुका है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी सबको दे चुका है। तो अभी गवर्नमेंट को लास्ट टाइम भी हम लोग ब्लेम नहीं करते, ब्लेम गवर्नमेंट तो वही करेगा जो रिपोर्ट देता है, इसलिए रिपोर्ट जो है सही नहीं जा रहा है, इसलिए लास्ट टाइम भी ये कहा है। और ये जो बात है हम वहाँ के माने यूपिन समुदाय के लीडर्स हैं, तो वहाँ का पब्लिक का सेंटिमेंट को हम लोग जान के ही हम लोग अथॉरिटीज़ को गवर्नमेंट को लेटर लिखता है। तो अभी लेटर जो है अभी कुछ लोग को लगता होगा हम लोग ने इंस्टिगेट किया है, ये टोटली गलत है, इतना रिस्क बात हम लोग का बाद में हम लोग का विभिन्न वर्फेयर सोसाइटी में रखते नहीं। अगर हम लोग को पब्लिक कंप्लेन करता है तो हम लोग डायरेक्ट अथॉरिटी को पास करता है, हम लोग का वहाँ में एक भी पेंडिंग नहीं रहता है। तो ये चीज़ हमारे सब वहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ में भी मेमोरेंडम दे चुका है और बात भी कर चुका है। तो अभी कल DC साहब का प्रेस ब्रीफिंग भी देखा, देखिए यहाँ माहौल जो है वन साइडेड जजमेंट देने से ये कभी जस्टिस होगा नहीं। और यहाँ में जो है DC साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिसाब से, प्रेस रिलीज का हिसाब से जो है इंटरेस्ट जो है वहाँ वहाँ के जो लोग हैं प्रॉब्लम्स किस वजह से वायलेंस हुआ है वो चीज़ को जो है छानबीन करके बात करके सॉल्यूशन का बात नहीं करता, हर समय पनिशमेंट का बात करता है, ये ऑप्रेसिव मूड में क्यों है। और वहाँ के नागरिक होने के नाते ये नमदफा नेशनल पार्क का बारे में जो है हम लोग पहले से जिक्र कर चुका है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ठीक ठाक होना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ के डिपार्टमेंट कन्वीनियंस का हिसाब से नहीं करना है, पब्लिक कन्वीनियंस के हिसाब से करना चाहिए। तो अभी वहाँ में जो है हम लोग का जो प्रेस स्टेटमेंट को अगर डाउट होता है तो वेरीफाई कर सकता है, और ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है, इसलिए मैं भी सभी पब्लिक को ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वेरीफाई कीजिए। और यहाँ में
जो मिस इंटरप्रेटेड नमदाफा नेशनल पार्क अथॉरिटी से हुआ है वो चीज़ उसको गवर्नमेंट रेक्टिफाई करने से ठीक होगा, क्योंकि जिसने ज़मीन दिया है ट्रेडिशनल लैंड 23 माइल्स कंट्रीब्यूट करना ये मामूली बात नहीं है। तो आज उसी समुदाय का अगेंस्ट में जो है मुद्दा उठ रहा है, इसलिए ये इश्यू को सोल्यूशन में लाने के लिए वहाँ का समुदाय के लोग, वहाँ का विलेजर्स जो है इफेक्टेड विलेजर्स हैं, उनके साथ बात होना पड़ेगा, तभी जस्टिस आएगा। वन साइडेड जस्टिस जो है नहीं करने से ठीक होगा। और इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट को ये मांग डिमांड रखना चाहूँगा कि विभिन्न कम्युनिटी और नमदाफा नेशनल पार्क बाउंड्री डिस्प्यूट्स है उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू फिक्स एंड ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क्स विद द प्रायर कंसल्टेशन एंड अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि जब चाहे वो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंसल्टेशन करके उसके साथ कंसल्टेशन करके फिक्स कर सकता है, और जब ये फिक्स होगा तो जैसे कि हम लोग का पब्लिक का जो डिमांड है वहाँ का जो एकजुट होके एग्रीमेंट है उसी हिसाब से 40 तक होने से ठीक होगा, 40 से फ्रॉम बेस तक। और सेकेंड पॉइंट में ये डिमांड है कि जितना भी वहाँ में डिप्राइव विलेजेस है 80 विलेजेस इंक्लूड्स है वहाँ में 40 से 80 तक, तो उनका ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, इसलिए इसको जो है उनका बेसिक एनिमिटीज बेसिक फैसिलिटीज एक्सटेंड किया जाए। और थर्ड पॉइंट में ये स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बर्मा नाला में अभी जो इंसिडेंट हुआ है उसमें एक दो तो नहीं है, वहाँ में तो पूरा 500 समथिंग है, और ये ईस्टर्न टुडे न्यूज़ का हिसाब से वहाँ का जो वहाँ के जो एक कंटीजेंसी फॉरेस्ट गार्ड ने जो बताया है, इसलिए विलेजर्स जो है उनको जो है केस रजिस्टर नहीं करने से ठीक होगा, क्योंकि अभी हम सरफेस रोड अभी पहुँचा है, आप सभी को भी मालूम है, तो वहाँ के लोगों को आप इन्वायरमेंटल अवेयरनेस दिया नहीं है, कुछ भी अवेयरनेस दिया नहीं है, और हम एक FD हिसाब से या DCIS हिसाब से उनका बराबरी का बात करेगा तो नहीं समझेगा, हम उसका लेवल जाके उससे पूछताछ करना पड़ेगा तभी मालूम होगा। हम एक IAS हिसाब से डीलिंग करेगा और पब्लिक का सेंटीमेंट को नहीं समझ के करेगा तो ये ठीक नहीं रहेगा, इसलिए विलेजर्स जो है जैसे गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है वैसे ही वो आज तक है, स्टैंड बाय है, इसलिए बाउंड्री का अंदर नेशनल पार्क का अंदर वायलेंस नहीं हुआ है, नेशनल का पार्क बाहर हुआ है, इसलिए ये रजिस्टर नहीं करने से केस रजिस्टर नहीं करने से ठीक होगा, ये हम गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और चार पॉइंट में ये कंसर्न FD और रेंज ऑफिसर्स, रेंज ऑफिसर गांधीग्राम यूनिट गांधीग्राम रेंज वो जो है उसको जो रिप्लेस करने से ठीक हो, एक ऑफिसर जो है प्रो पीपल होना पड़ेगा, प्रो वाइल्ड लाइफ होना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, तो यह ऐसा नज़र नहीं आ रहा है हमें, इफिशियंट होना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रो इन्वायरमेंट है ये सब अगर होगा तो रिपोर्ट सही तरीके से जाएगा, और जो एक जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको छिपाने के लिए कोशिश नहीं करेगा। मैं ये क्लियर कह सकता हूँ कि जो इंसिडेंट हुआ है वो जो है उसमें ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ने ये डिपार्टमेंट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है फ्रस्ट्रेशन पब्लिक को फ्रस्ट्रेशन लाने के लिए ही कदम उठाते रहते हैं, इसलिए ये बता दूँ कि वहाँ में जो हमारे समुदाय के और से फॉरेस्ट गार्ड्स भी था पहले, डिपार्टमेंट में सर्विस देने वाला भी था, लेकिन क्या करता है वहाँ बाउंड्री अच्छे से रिजॉल्व नहीं है तो सिर्फ वहाँ में यूबिन जो फॉरेस्ट गार्ड है वो लोग को भेजता है सिर्फ,
तो रिस्क किसका होता है? वहाँ जो ग्राउंड ड्यूटी करता है उसके लिए उसका साथ होता है, फैमिली वाला है वो लोग भी। इसलिए जब तक बाउंड्री डिजर्व रिजॉल्व नहीं होता है तब तक हम लोग भी नहीं करेगा बोल के। हम लोग का जो भी समुदाय से जितना भी फॉरेस्ट गार्ड है सब रिजाइन कर चुका है, अभी कोई भी नहीं है वो हमें। तो इसलिए ये डिपार्टमेंट जो नमदफा अथॉरिटी और एफ डी गांधीग्राम रेंज ऑफिसर, देखिए हम सोशल मीडिया में या बाहर दुनिया में ये दिखा रहे हैं कि काफ़ी प्रोटेक्टेड, काफ़ी कमिटेड अपना ड्यूटी के लिए, लेकिन वहाँ जो है कुंडा बिजनेस कौन करवा रहा है? युबिन समुदाय और डिपार्टमेंट, युबिन समुदाय जो है वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्शन का अपना जमीन दिया है, इतना पेट्रोटिक है। तो हम जेन्युइनली डिपार्टमेंट को साथ दे रहे हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है कुंडा बिजनेस में शामिल है। लास्ट टाइम आप भी देखा होगा जिस हिसाब ने खुद रेड हैंडल पकड़ा है, तो उसका तो कोई अपडेट नहीं है अभी। तो देखिए हम वहाँ का है, नमदफा नेशन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हम उससे बेहतर कौन समझ सकते, क्योंकि हम वहाँ मेरा नज़र के सामने हो रहा है। अभी ये जो है फॉरेस्ट गेट वो 6 माइल में है, वो जो है मियो सब डिवीजन का अंदर पड़ता है, वो विजयनगर सर्कल का अंदर नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ से नेशनल पार्क है। तो फॉरेस्ट गेट कहे थे 100 मीटर्स का अंदर में कुंदा बिजनेस का रास्ता है, उसका मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही तो कर पा रही है काम। तो यह पब्लिक जो इनोसेंट है, जो अपना सर्वाइवल के लिए खेती करके बेचने वालों को तोड़चाड़ करके अंदर में इलीगल बिजनेस चल रहा है। अब ये नेट में भी अभी सेटेलाइट इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि ये, इसलिए ये क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ कि जो नमदफा नेशनल पार्क का अंदर सिर्फ एक ही विलेज आता है युबिन्स का, वो जो है नागुदी विलेज, वही विलेज सिर्फ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में आता है। तो इसको इविक्शन करना तो नहीं है, वो तो उसको जो है फॉरेस्ट राइट्स का अंदर से मैंने उसको गवर्नमेंट देखना है, डिपार्टमेंट देखना है, उसको राइट्स एक्सटेंड करना है और किस सब प्रोटेक्टेड करना है अंदर, और नया कौन माइग्रेट कर रहा है उसको देख के डिपार्टमेंट के साथ कम करना है वो विलेज। इसलिए युबिन विलेज सिर्फ एक ही विलेज आता है नमदफा नेशनल पार्क। तो अभी मैप सेटेलाइट इमेज का हिसाब से तो और एक बस्ती बन रहे ऊपर, वो तो कौन कहाँ से है, वो हम लोग के समुदाय का तो नहीं है। तो वो चीज़ को ध्यान देने का वजह यहाँ पब्लिक जो पब्लिक को राइट्स एक्सटेंड का जगह में इल्जाम लगाते जा रहा है, फॉल्स एलिगेशन लगाते जा रहा है, ऐसा लगाते जाएगा पब्लिक कंसल्टेशन का नहीं है। तो पब्लिक कंसल्टेशन नहीं होने से वॉलेट होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेक्शन 36 वॉलेट होता है, उसमें पब्लिक लोकल कम्युनिटीज़ का कंसल्टेशन ज़रूरी है, वो क्लियर कट लिखा हुआ है। तो इसलिए इसका विषय में हमारे समुदाय के काफ़ी जेनरेशन काफ़ी सालों से काफ़ी दिक्कत से सेवा कर रहे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी, उनके ओर से भी माने स्टेट्समैन होगा। थैंक यू। आप लोगों का सामने हमारा दुख को भी बताने के लिए मौका मिला है, इसलिए आज शाम से ही बोलता हूँ। मैं पब्लिक को सेवा करते करते अभी बूढ़ा हो गया, हम नहीं आना था, लेकिन आज हमको दुख बहुत दुख हुआ। वो हुआ ये आदेदी विलेज में वो जो हुआ, वो तो डिपार्टमेंट का बहुत गलती है, पब्लिक का गलती नहीं है, वो तो नमदफा का एरिया में नहीं है, वो नहीं है। हम किस लिए बोल सकता है कि 2006 में हम लोग जितना पहले हम जो था उस समय भी हम वाइस प्रेसिडेंट हूँ पब्लिक के लिए, तो अभी भी मैं हम छोड़ा है सिर्फ 5 साल हमको छोड़ा है, हमने छोड़ा है, तो वो भी तो हमको जो नागुदी का वजह से हम लोग आते मिलो, आप लोगों ने हम लोग का निगलेक्ट किया, बोल कि हमको वो अंडरस्टैंडिंग में नहीं हुआ। तो हमने समझा करके
बाद में जो कैसे हुआ वो अभी बताता हूँ। 2006 में हमारा जो अभी प्रेसिडेंट कहा गया था वह जैसे यूनिवर्सिटी हाउस में हम जितना उस टाइम में लीडर था पाँच छः पार्टी आदमी और जो गाँव का पार्टी जीवी गाँव सब हम लोग मिलकर जो सिग्नेचर करके उस टाइम में हमारा दिल्ली से IGF राजेश गोपाल साहब आया है। उस टाइम में हम उनको सामने ये हम लोग का जो बॉर्डर के लिए हम लोग हमें दे दिया है, तो हम लोग ने बोला है कि ये नेशनल पार्क ही तो हम लोग के भी झूठ जोड़ी है, आदमी सिर्फ जीने से भी नहीं होगा। ये हम लोग समझ जाते ऐसा हो कि बाद में हम लोग साहब लोग का सामने हम लोग का पिटिशन डाला है दे दिया है, तो जनरल सेक्रेटरी ने उन हम लोग का बात तो बोने दिया, तो हम लोग पूरा लाइन करके उस टाइम में हम लोग बातचीत काटी साहब लोग को दे दिया। तो साहब लोग का तरफ से जो नहीं बोलने का किए में जिसी साहब उसने बोला हम लोग का ट्राइबल में अपना अपना लैंड राइट है वह हमने चाहे चाहता है बोल के हम लोग को बताया। उसका बाद में जो हम लोग का पिटिशन ख़त्म करके सब लोग को बताया, उसके बाद में लास्ट में राजेश गोपाल साहब ने बोला है कि IGF साहब उसने बोला है आज हम लोग मालूम हो गया आप लोग पूरा नहीं करेगा वो कि आपका एरिया में नहीं करेगा वो कि बोलने से तो ये कभी भी नहीं होगा, हमारा जिंदगी खत्म होने से भी नहीं होगा, प्रेसिडेंट खत्म होने से भी नहीं होगा, ऐसे बताया। आपका सोसाइटी बैठने के लिए रहने के लिए खाने के लिए जरूरी है बोलता तो वो तो सही है, इसलिए आज से हम लोग नहीं खरीदागा आप गवर्नमेंट को अरुणाचल गवर्नमेंट हम लोग का सेंटर से बातचीत करते रहो आज से होगा और नहीं खरीदागा बोलते लास्ट में बोला है। उस तरह से हम लोग पब्लिक को बोल समझा कि जो अभी आदिजी विलेज जो वर्मा नाला है और फाउंडेश नाला वहाँ हम लोग फीस करके दे दिया। उस दिन पब्लिक को बताया तो पब्लिक सब दिल में वो रहता है काम इसे करता है, लेकिन आज देखा तो आदिति का विलेज में जाके जो डिपार्टमेंट आदमी वहाँ पूछ बना कि हम लोग ही खेतने के विलेज को खेतने के किया तो पब्लिक तो गुस्सा होगा, लेकिन हम लोग पब्लिक को समझा के रखा कि किसी को जो भी होगा बातचीत से करना है किसी मारपीट नहीं करना है बोलती तो आज तक समझा कि तो रखा है, लेकिन अभी आगे में कुछ ऐसे क्या क्या अभी प्रेसिडेंट साहब बोला जो नए जनरल को ऑफिस में बोला कि क्या क्या करके कुछ हुई है तो अभी हम तो नहीं लेगा रिस्क वो तो पक्का है। हम लोग तो सोसाइटी तो गवर्नमेंट को और जो पब्लिक को बीच में को तो की है और समझाने वाला समझाएगा, पब्लिक का दिमाग ये है बोल के बीच में करने वाला आप लोग सब जानता है। हम इसे करके आज भी हमको वाइस प्रेसिडेंट ने बनाया, इसलिए ये घटना हुआ है गांव में हुआ ही तो गांव के एरिया में 40 समय से ऊपर तो हम लोग का गांव है वो कि ये गवर्नमेंट को दे चुका है, अभी तक ये फैसला नहीं हम लोग का दिमाग जो हम लोग का जो किया है उसको नहीं मानता है, वो तो हमको ताजुब लगता है। और ये तो बहुत बात विचार करके हम लोग किया, ये नहीं देने का आगे में गांधी ग्राम जो 80 माइल में वहाँ तक गवर्नमेंट का है वो कि डिपार्टमेंट हम लोग को बुला है, तो हम लोग उस टाइम में आने जाने का भी नहीं सकता है पूरा जंगल है, इसलिए शिव साहब ने बुलाया तो राजेश को राजेश पाया में शिव वो मुद्दा वाला हम लोग को तब क्या क्या मीटिंग करते बोल तो लास्ट में आप लोग एग्री है कि नहीं बोला तो हम लोग तो एग्री नहीं वहाँ पर से हम लोग हमारा जनरेशन कहाँ में बैठेगा, हम लोग खूब श्री साहब को बोला तो उसने क्या बोला हमको लाठी लेके इतना बड़ा लाठी दूर देख ऐसा मारा हमारा मथा चक्कर हो गया, तो थोड़ा सा नहीं मुड़ना था मेरा जीता जी एक तो है उसने माना क्या तो उस टाइम में भी हम तो स्टूडेंट का यूनियन का हम लोग हुई है, लेकिन हम लोग को क्या बोलेगा आप स्टूडेंट है ना क्या है उसको तो फिक्र क्या नहीं,
ऐसे होते थे, फिर भी हम कुछ नहीं बोला। हम लोग पब्लिक बहुत गुस्सा होता, लेकिन हम बोला शांति, हम लोग मारपीट नहीं करना, क्योंकि मारपीट करना था वो तो कभी भी कानून में सब नहीं होगा। ऐसे बोल के समझा कि आज तक देखा तो अभी ही तो डिपार्टमेंट का, मैं से तब बोलता हूँ ये डिपार्टमेंट का गलती है। हम लोग पब्लिक जो डिमांड किया उसको गवर्नमेंट को दिया, दिल्ली तक हम लोग सब कुछ बता के लिख रखा है, लिख गवर्नमेंट को जानता है। तो अभी ये साहब साहब ने हमारा प्रेसिडेंट बोला जैसे हम लोग पब्लिक का बात छिपाने वाला नहीं, और हम लोग अभी कुछ बचा है वो भी तो गवर्नमेंट अच्छा है क्योंकि हम लोग बचा है। लेकिन देखो हम अभी यहाँ पूजा अभी रिसेंटली रास्ता खोल गया क्योंकि हमको जान आने के मौका मिला। हम इससे तक तक जिंदगी बिताया कि आपको यहाँ दिन भर बताने से भी नहीं होगा, इसलिए आज हम मेरा जो समाज का तकलीफ को नहीं देख नहीं हजम नहीं कर सका, इसलिए अपना मैं खूब आया हूँ और आप लोगों से ही जो बात है वो बताया हूँ। हम झूठ नहीं बोलेगा, अभी अकेले भी नहीं बोलेगा, और आज हम तो मेरा नतीजा है हम झूठ बोके जीने के लिए मेरा अतर नहीं है। अब सही में हम जीगा इसलिए जो अभी प्रेसिडेंट बोला वही है। अभी गवर्नमेंट को हम मांगता हूँ कि पब्लिक अनुशन को ऐसे हरासमेंट नहीं देने से अच्छा होगा, और जो हम लोग का जो डिमांड पहले से रखा है जो हम लोग का बॉर्डर हो गया उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करके हम लोग को जीने के लिए समाज होने के लिए हमको मदद करना चाहिए, अनुरोध करके ये समर्थ करता हूँ।